कुछ नए कुछ पुराने चेहरे, कॉकटेल पूरा दिखाई दे रहा है, मुझे जरा बताइए फिल्म के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक फैमिली ड्रामा और एक्शन थ्रिलर थी। फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन का कॉम्बिनेशन पिछले काफ़ी टाइम से हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है, लेकिन ये एक अलग अलग तरह की फिल्म होगी। बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, हर चीज़ कमर्शियल ड्रामा है। कुछ बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन नया रहेगा। ये मेरा वादा है कि जो प्रस्तुति रहेगी फिल्म की वो बहुत ही यूनिक रहेगी। और साथ में हमारे कुणाल भैया हैं, बड़े भाई, इनका आशीर्वाद है, अवधेश भैया है, बहुत अच्छे मज़ेदार, सत्येंद्र जी भी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर, अच्छे नायक है। और बाद बाकी दो नए जो चेहरे हैं हमारे, आलम राज और बिक्की बबुआ, ये दोनों बहुत ही अच्छे स्टार सिंगर में गिनती है। इनका बहुत ही अच्छा व्यूअरशिप है, ये हमारे बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, तो इसका फ़ायदा हमें कमर्शियली मिलेगा। और बाद बाकी प्रस्तुति हमारी बहुत ही बेहतरीन, ये वादा है मेरा। प्रोड्यूसर साहब से जान लेते हैं सर, आप मुझे नहीं बताया गया कि आपने कोई फिल्म की है या नहीं, या फिर आप पहली बार फिल्म कर रहे हैं, जरा बताइए कैसे खा रहा है कि एक फिल्म बनाई जाए वो भी जाबाज। अरे तो मैं दिलीप सिंह, सबको नमस्कार, प्रणाम। विशेष क्या बोले, बात एक सिर्फ सिबाद और प्यार मोहब्बत को बनाए रखती है। फर्स्ट मेरा फिल्म सिर्फ सिबाद मोहब्बत बनाए, वही मुझे चाहिए, कुछ नहीं। जी अच्छी बात है कि नए नए मेकर्स, नए नए प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, यकीनन ये बूस्ट करेगा। जी हाँ, देखिए आज भोजपुरी सिनेमा का ये 55-56 वर्ष गुजर रहा है, और मैं ईश्वर की बड़ी कृपा अपने ऊपर मानता हूँ कि ये 37वां वर्ष है इस भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि आज का जो यंग जनरेशन है, जब मैं नायक था गंगा किनारे मोरागांव और बूढ़ा गंगा पार के समय, उस समय मीडिया या पढ़े लिखे लोग फिल्में तो देखते थे और घर की महिलाएं भी आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा से तो जोड़ने में उनको तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाहर में जाने के बाद वो एक हीन भावना महसूस करते थे अपने आप। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है, आप पत्रकारों की पीढ़ी है, या ऐसे निर्माता निर्देशक हैं, या कई सारे कलाकार हैं, या आलम राज और बीकी बबू ऐसे नौजवान बच्चे जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे अंदर वो ताकत है कि मैं चांद पर पहुंच सकता हूं, उतनी ही ताकत है मुझे, अपने भाषा पे गर्व है, मैं अपनी भाषा को प्यार भी करता हूं। तो ऐसे नौजवान अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से भोजपुरी सिनेमा को और ऊंचाई मिलेगी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि दिलीप जी से मिलने के बाद इनके अंदर जो जज्बा देखा, तो अगर इनकी ये पहली फिल्म भी होगी तो इनको लड़खड़ाने नहीं देंगे, इनको संभालने के लिए हम लोग हैं, आप सब लोग हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, यही मेरा आग्रह इन लोगों से।